फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मुझे मार्केट में इस तरह के कुछ कट पीस के टुकड़े मिल गए थे, तो मैंने वही ले लिए थे। तो इनसे हमने क्या बना सकते हैं, कभी कभी हमें इस तरह से मार्केट में कुछ टुकड़े मिल जाते हैं और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो इनसे हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं अपने घर में यूज करने के लिए। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं कुछ पीस ले आई थी इस तरह से। ये कुछ टुकड़े मिल गए थे मुझे, तो ये वाला पीस मुझे मिल गया था। तो ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई में, तो ये इसने फ्रेंड बहुत सुंदर वर्क हो रखा था इस तरह से, देखिए जरी का। तो इसकी लंबाई ये 45 इंच थी और चौड़ाई में 16 इंच था। तो मुझे लंबाई तो पूरी मिल गई, लेकिन चौड़ाई मुझे कुछ इसके साथ ऐड करना होगा। तो इसके लिए मेरे पास कुछ टुकड़े पड़े हुए, वही मैंने लिए। सिलाई करते हैं उनके पास, तो घर में भी कुछ टुकड़े बचे हुए रखे रहते हैं इस तरह के। तो मेरे पास भी इस तरह के कुछ टुकड़े बचे हुए रखे हुए थे इस तरह के पीसेस। कुछ कभी हम लोग ब्लाउज बनाते हैं या घर में कुर्ती वगैरह थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, तो इस तरह से बचे हुए टुकड़े बच जाते हैं, तो वही मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने इसमें से मिक्स एंड मैच करके ये दो पीस निकाल लिए थे। तो ये इसके साथ मैच कर रहे थे, अच्छे से कंट्रास्ट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये देखिए इसके साथ में अच्छे से जा रहा था, तो लेकिन इतना ही कपड़ा था, तो इसके साथ मैंने इसके लिए ले लिया। और एक ये वाला पीस था मेरे पास, ये पट्टी थी थोड़ी चौड़ी सी बस, तो मैंने इसी को रियूज किया है। ये मैं मुझे इसके साथ में अच्छे से मैच कर रही थी कंट्रास्ट में, तो मैंने इसको क्या किया कि इसको ना किनारे से यहाँ से सिलाई लगा ली इसमें, और बीच से फिर कट कर दिया कपड़े को। मैंने बीच से कट करके दोनों साइड बराबर बराबर का कर लिया, और बीच से कट करके ये वाली पट्टी बीच में लगा दी। और बीच में लगाने के बाद पास ये वाली और ये वाली इस तरह की लेस रखी हुई थी। ये वाली देखिए, ये इस तरह की लेस है और ये गोटा पट्टी वाली लेस है। तो इसी को मैंने इसके साथ में मिक्स एंड मैच करके देखिए किस तरह से इसे डिजाइन किया है। तो चलिए बताते हैं। तो ये वाला कपड़ा है, ये तो मैंने बैक पीछे का पल्ला इसमें से बना लिया है कुर्ते का, और इसको हमें चौड़ा करना था। तो इसको चौड़ा करने के लिए मैंने क्या किया कि इस वाले पीस टुकड़े को इसको मैंने किनारे से इसके साथ में इस तरह से सिलाई लगा के सिल दिया था, यहाँ से सिलाई लगा दी। और देखिए चलिए आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कपड़ा था, मैंने इसमें किनारे से जोड़ लिया और बीच से कट करके इसकी पट्टी डाल दी इस वाले कपड़े की इसमें। और देखिए इस तरह से इसमें ये डिज़ाइन बन गया, जो कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई इसका। तो देखिए, और किनारे थोड़ा सा कपड़ा प्लेन सादा था, किनारी बनी हुई थी, तो उसको मैंने कट करके यहाँ पे ये इस तरह से पट्टी डाल दी है ये इस तरह से, और इसमें किनारे किनारे ये वाली लेस लगा दी, और किनारे इस तरह से ये गोटा पट्टी वाली लेस लगा दी है। यहाँ से सिल दिया ये कपड़े को, ये पट्टी चौड़ी सी निकाल के इसको यहाँ पर सिलाई लगा दी, और यहाँ पर इस तरह से ये लेस लगा दी है। तो देखिए इस तरह से कुछ ये बन के तैयार हो गया है। और ये वाला कपड़ा था, इसका मैंने बैग इसका पल्लू बना दिया है, इसका बैग पीछे का पल्ला बना दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। तो फ्रेंड्स अभी बन रहा है, तो ये मैंने इसका अभी इस तरह से कुछ गला बनाया है। ये देखिए इसका गला इस तरह से बना लिया है, और इसकी ये स्लीव्स हैं इसकी। अभी इसको सिलाई का चल रही है अभी इसका, देखिए इस तरह से मैंने इसमें पट्टी लगा ली है, तो इसको फोल्ड कर देंगे। इसकी मैंने स्लीवलेस कुर्ती बनाई है, और इसको इस तरह से पट्टी लगा के हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है मुड्डे की दोनों साइड। ये देखिए इस तरह से लगा दिए, तो पट्टी लगा दी है, और इसको हमें अंदर की ओर मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो अभी मैं सिलाई लगाऊंगी इसकी, और गले की पट्टियां तो मैंने सिली ली हैं। ये देखिए इस तरह से गला बना दिया है इसका, और ये देखिए अभी नीचे साइड भी हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या बनाने जा रहे हैं, तो अभी आपको बताते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद कितना सुंदर डिजाइन इसका लग रहा है, कि लग ही नहीं रहा कि इसे हमने बचे हुए टुकड़े से बनाया है या छोटे से टुकड़े से बनाया है कुर्ती को। तो ये फ्रेंड्स देखिए, स्लीव्स की पट्टियां लगा ली हैं, इसमें सिलाई हो गई है। अब हमें साइड से सिलाई लगानी है, तो साइड से मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है इस तरह से।
फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों के घर में छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं स्क्रैप के, और सिलाई से जो बच जाती हैं पट्टियाँ या टुकड़े, उनसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया। हमें इसके नीचे साइड डिटेलिंग करनी थी थोड़ी सी, तो मैंने इस तरह से एक पहले पेपर में कटिंग काट के डिजाइन बना लिया, और फिर एक पट्टी लेके उसको इस तरह से कट कर लिया है, और इसी के साथ में हमें सिल देना है। मुझे इसमें हल्का सा कुछ डिजाइन बनाना था तो वही मैं इसमें बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है कपड़े को, पट्टी को, और उसके ऊपर रख के कुर्ती के ऊपर रख के आगे के पल्ले में इस तरह से सिलाई लगा दी है। उसी के साथ में तो इस तरह से इसमें एक डिज़ाइन बन जाएगी, और इस तरह की डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और बनने के बाद ये कैसा लग रहा है कुर्ता। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को जो भी है, और उसके बाद हल्के हल्के कट लगा देने हैं, और उसके बाद हमें इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने घर में छोटे छोटे बेकार टुकड़े पड़े रहते हैं, उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो उनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह मैंने बहुत ही सुंदर कई कलर के टुकड़े पड़े हुए थे, उससे भी मैंने बहुत सुंदर एक डिजाइनर लेटेस्ट गाउन बनाया है, और जिसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला देखिए डिजाइन, अब इसे मैंने कट करने के बाद इस तरह सीधा कर लिया, और देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन गया। इसे प्रेस कर लीजिए और ऊपर से हल्की सी मशीन चला सिलाई लगा लेनी है, और पीछे साइड इस तरह से मोड़ के एक सिलाई लगा देनी है। अब मैंने पीछे की साइड भी, पीछे के पल्ले में भी हमें इसी तरह की डिजाइन बनाने के लिए एक पट्टी कट कर ली है, और देखिए इसके साथ में भी पट्टी उसी तरह से रख के सिल देंगे, और सिलने के बाद कट कर दिया है, और देखिए इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे, और देखिए सिलाई लगा देनी है पीछे साइड से, अंदर साइड से, और देखिए कितना सुंदर सा हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया। और कुर्ती बनने के बाद कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।